अरे ये देखो, अब कछुआ भी चलेगा घोड़े की चाल। ठीक से बोला तो जाता नहीं और बनने चला है तानसेन। अरे बबलू, तुम्हें गाना वाना आता भी है या फिर ऐसे ही ढोल पिपाही लेकर नुक्कड़ पर बैठ गए हो? ऐसा है तिवाली भैया कि गाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है और बनाने में तो हम पहले से ही माहिर हैं। कभी मौका देकर तो देखो। गारंटी है तिवारी भैया, हमारा बजाना देखकर भाभी मियाँ खलीफा की तरह गा उठेगी। मियाँ खलीफा की तरह? लेकिन वह तो नहीं गाती है और हमने तो उसे कभी गाते सुना भी नहीं। अरे ये ऐसे ही बकैती कर रहा है, मियाँ खलीफा भी भला कोई गाना गाती है? वह गाती है और बड़े सुर से गाती है। जब कोई हमारी तरह उसे बजाने वाला मिलता है तो वह भी गाती है। ठीक है ठीक है। वैसे बबलू, तुमने गाना सीखा किससे है? मैंने गाने का हुनर अपने पुत्र गुरुजी स्वामी लंद प्रकाश से सीखा है। किससे सीखा है? लंद प्रकाश। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, यह नंद प्रकाश कह रहा है। नंद प्रकाश। ठीक है ठीक है। ऐसा है तो बबलू, कोई गाना गाकर सुनाओ, हम भी तो देखें तुम क्या गाते हो और कैसे बजाते हो। तो ठीक है शुक्ला भैया, बबलू का गाना सुनने से पहले अपना दिल और बिल दोनों थाम लो। कभी भी अटैक आ सकता है। मैं तो दे के कहां दाऊंगा। अरे ये क्या अश्लील गाना गा रहा है, बंद करो। यह कोई अश्लील गाना नहीं गा रहा है। हैं? ठीक है ठीक है, कोई दूसरा गाना सुनाओ। ठीक है तिवाली भैया, अभी सुनाता हूँ। ताल दिनोता प्याल हो लपा। वाह वाह, यह तो एवर ग्रीन गाना है। वाह, दिल खुश हो गया। सच में इस गाना का तो बोल सुनकर ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह। ताल दिनोता प्याल हो लपा, ताल दिनोता प्याल हो लपा, बली लंबी तुदाई लंबी तुदाई। अबे साले टकले, इतने अच्छे गाने में भी अश्लील बात घुसा दी। हमने तो पहले ही कहा था कि गाना सुनने से पहले अपना दिल और बिल थाम लो। बबलू जुदाई कह रहा है, जुदाई वह नहीं जो आप अपनी बीवी के साथ करते रहते हो। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई और गाना सुनाओ। अभी सुनाता हूँ। उलदा ताले तावा तेले मुँह वितलंद पावा। अबे एकदम टोपा इंसान हो क्या बे? लगता है जैसे बुद्धि भैंस चरने चली गई है। साला इतना अच्छे से अच्छे गाने में पता नहीं क्या क्या घुसा देता है। बताओ, कौवे के मुंह में अपना देने की बात कर रहा है। ऐसा है तिवारी भैया कि लग तो आपके दिमाग में घुसा हुआ है, इसलिए बबलू बोलता कुछ और है और आपको समझ में कुछ और आता है। बबलू खंड कह रहा है, खंड। वो गाना नहीं सुना गदर का, उड़ जा काले कामा तेरे मुंह बिच खंड पावा। हैं? सुना तो है। लेकिन क्या करें, अब बबलू जब बोलता है तो कुछ और ही सुनाई देता है। अरे तिवारी भैया, आपको पता है कि बबलू पैदाशी तोतला है, इसलिए कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो ना। हाँ तिवारी भैया, रजुआ सही है कह रहा है कि बबलुआ साला बोलवे ऐसा करता है कि सुनाई कुछ और ही दे जाता है। हाँ ये बात तो तुम सही बोले हो। खैर हमसे ही गलती हो गया जो हम बबलू डार्लिंग को गलत समझ बैठे। तो ऐसा करो बबलू यार, तुम कल मेरे घर आओ, साथ में चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है तिवाली भैया, लेकिन मैं खाली ताय नाता नहीं करूँगा, मुझे तो आपके घर जाकर भाभी का तूत भी देखना है। ये क्या बकरा है बे? हाथी वाली भैया सही कहलाऊ, आखिरी बार ताल दिन पहले देखा था भाभी का लाल लाल तूत, क्या तमाल का था। हा? मैंने तो कभी नहीं देखा वैसा तूत। ये क्या नापशना बकरा है बे? अरे टुकला भैया, आप क्यों कुत्ता कर ले हो? आप कहो तो आपके घर भी चला जाऊंगा देखने के लिए भाभी का तूत। जब देख लेंगे दोनों का तूत, फिर बताएंगे कितका है तपते अत्ता तूत। आइंदा फिर से ऐसी बातें अपनी जुबान से मत निकालना।
वरना जो मान काट कर हथेली में रख लूंगा। नालायक, अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? इतने मानने वाली कौन सी बात है, मैंने भाभी का तूत ही तो देखने की बात की है। भाभी का तूत देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे महाराज, यह सूट की बात कर रहा है, सूट की, कपड़ा पहनने वाला सूट। पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते हैं। अच्छा, ये सूट की बात कर रहा है? अरे भाई, बबलू की तो बात समझने में जान ही चली जाएगी। अब समझा, ऐसे ही नहीं राजू और बबलू यूट्यूब पर फेमस हैं। अत्ता तो तिवाली भैया, तुकला भैया, इतबाल होली पर मैं आप दोनों के गलाऊंगा और भाभी के तूत में अपना लंद डालूंगा। क्या? हाँ, दोनों भाभियों के तूत में अपने हाथों से पकड़ कर लंद डालूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को बबलू की महफिल? अगर अच्छा लगा तो करते रहो शेयर और दबाते रहो लाइक बटन।